हाय दोस्तों, पुष्पा के रिव्यूज़ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखो, जो अर्ली स्क्रीनिंग हुई है भाई, बहुत ही दमदार रिव्यूज़ देखने को मिले हैं। एंड मुंबई में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कल भी इसकी स्क्रीनिंग है, जो प्रीमियर शोज़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, और भाई धमाक धमाकेदार भाई, अल्लू अर्जुन का ये खतरनाक धमाका होने वाला है। पुष्पा वन के जो रिव्यूज़ थे, उससे भी आगे के ये रिव्यूज़ मुझे देखने को मिले। आई मीन मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज और खुश हूँ कि पुष्पा टू के जो रिव्यूज़ है। एनीवे, चलो सबसे पहले तो भाई तेलुगु के तीन रिव्यूज़ देखने को मिले हैं, जहाँ पे मुझे 5 out of 5 रेटिंग्स देखने को मिले। अब देखो क्या है, ट्रांसलेशन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्होंने लिखा है वो तेलुगु में लिखा है, लेकिन तीनों के तीनों रिव्यूज़ में 5 out of 5 रेटिंग्स देखने को मिले। अगर और एक रिव्यू जो देखने को मिला है, ये ही इंग्लिश रिव्यू है, इसलिए ज़्यादा ईजी है। एनीवे, चलो तो यहाँ पर जो बोला गया है, देखो कि अल्लू अर्जुन वर्सेस फहाद सिर्फ ये आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे पुष्पा जितना बड़ा बन चुका है, उसके दुश्मन भी उतने बढ़ चुके हैं, और जो कुछ पुराने जो दुश्मन है, वो एक साथ आके पुष्पा पे हमला करने वाले हैं। इस बार इस टाइप की कंसेप्ट पे ये स्टोरी है, और जितना वो बोलते हैं ना, जितना बड़ा आदमी, जेलसी ज़्यादा लोगों की उतनी ही बढ़ती है। और पुष्पा ने जिन लोगों की जगह ली है, उस वजह से और उसके ज़्यादा दुश्मन बढ़ गए। लेकिन जो इसने इस लेवल पे पुष्पा को इन लोगों ने रखा है कि इससे बड़ा मतलब कोई नहीं, इस टाइप का उन्होंने वन मैन शो रखा है। पुष्पा की थोड़ी एंट्री लेट होती है, और हालांकि जो रिव्यूज़ है ट्विटर के, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इसमें से 4 से 5 रिव्यूज़ मैंने देखे थे, जहाँ पे एक ने 3.5, 3, 4.5, 5, 5 इस टाइप के रेटिंग्स दिए हैं, और ये स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी ना, उसके रिव्यूज़ है, मतलब 2-3 दिन पहले के। हालांकि तेलुगु मीडिया की तरफ से बेहतरीन रिव्यूज़ आए, और हिंदी में भी, मतलब जो इंग्लिश में लिखे हुए, वो हिंदी मीडिया की तरफ से जो रिव्यूज़ आए हैं, वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। पर प्रॉमिसिंग है फिल्म, हालांकि अब मेरा एक्सपीरियंस तो भाई अभी नहीं बता पाऊँगा मैं, क्योंकि अभी तो नहीं है इसके शोज़। बट हाँ, कल भी शोज़ है इसके, कुछ जगह पे है लेकिन प्रीमियर, और बाकी तो भाई 5 तारीख से सुबह के 6 या 7 बजे से 6 बजे के भी इसके शोज़ रखे गए हैं, विच इज़ एक तरीके से रिकॉर्ड बना है ये। और एडवांस बुकिंग के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड में ऑलरेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट, और 1000 करोड़ का तो प्री रिलीज़ बिजनेस हुआ है इस फिल्म का। तो इसका जो 500 करोड़ का बजट है, उस पर इतना टेंशन ना लो, ये फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में है, क्योंकि भाई इसका जो 500 करोड़ का बजट है, 1000 करोड़ का प्री रिलीज़ बिजनेस हुआ है, मतलब मैं तो कहूँगा कि इसका जो बजट है वो -500 करोड़ है, क्योंकि 0 रुपीज़ भी बजट नहीं बोल सकते। 500 करोड़ तो एक्स्ट्रा कमा लिए है फिल्म वालों ने, ऊपर से 100 करोड़ का अभी तक एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड होना, और भाई परसों रिलीज़ है, मतलब ये क्या पता है 150-125 करोड़ का, क्या पता यार वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग हमें शायद 150 करोड़ का तो देखने को मिल जाए, 125 करोड़ तो कहीं नहीं गया। तो भाई 250-300 करोड़ का तो डे वन आ रहा है। देखो भाई, ये रुक रुक के भी आप इसको 1200-1300 करोड़ के नीचे रोक नहीं पाने वाले, ये गारंटी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बाकी एडवांस बुकिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। ये रिव्यू था एक्चुअली, जो भी अर्ली रिव्यूज़ है वो काफ़ी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं, वो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ये लेटेस्ट अपडेट मिली मुझे 3 बजे की, आई थिंक हाँ 3 बजे तक की, 3 बजे एक रिव्यू आया था ट्विटर के, कुछ रिव्यूज़ थे एक्चुअली, 4-5 रिव्यूज़ है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो मीडिया स्क्रीनिंग होती है, वो 2-3 दिन पहले हो जाती है, लेकिन लोग धीरे धीरे रिव्यूज़ देते हैं, कि फिल्मी बीट वगैरह भी लेट देते हैं रिव्यूज़।